तो अभी आप जो देख रहे हो इस सर्कल के अंदर, ये क्रिस्टल है। इसका नाम क्या है? यूरिक एसिड क्रिस्टल, क्योंकि यूरिन का सैंपल है और यूरिन में ये यूरिक एसिड क्रिस्टल है। इस तरह से दिखता है। अगर कभी भी अगर आपको अगर यूरिन में ऐसा कुछ दिखे तो समझो उसको यूरिक एसिड क्रिस्टल। ये क्रिस्टल क्यों आता है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि क्या ऐसे रीजन होते हैं कि यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल आ जाते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, सब बताने वाला हूँ। तो उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखना। पहले ये समझो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल दिखता कैसे है, कैसे पहचान में आता है, तो मैं बताता हूँ लास्ट में आपको कि उसका रीजन क्या होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल का। ये देख सकते हैं 40x माइक्रो स्कोप पे हम देख रहे हैं इसको, और इतने सारे ये यूरिक एसिड क्रिस्टल है। यानी जिसको यूरिक एसिड क्रिस्टल समझ में ना आता हो, पहचानना ना आता हो, जानते ना हो, वो इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे आज कि यूरिक एसिड क्रिस्टल कैसे दिखता है। ये देखिए, अब बात कर लेते हैं एक्चुअली में यूरिक एसिड क्रिस्टल बनता कैसे है। तो दोस्तों, जो यूरिक एसिड क्रिस्टल होता है वो बनता है प्यूरिन से, यानी कि प्यूरिन नामक पदार्थ से हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल बनता है। और जो प्यूरिन होता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल प्रोडक्ट में, यानी कि जानवर से बनने वाले जो भी खाद्य पदार्थ होता है उनमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है। देख सकते हैं इतने सारे यूरिक एसिड के सब फॉर्म्स हैं। चूँकि एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होता है कि अगर आप बीफ खाते हो, मटन खाते हो, या मछली खाते हो, या अंडे खाते हो, तो उन सबसे हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है। लेकिन नॉर्मली तो लोग खाते हैं, तो नॉर्मली खाने से यूरिक एसिड उतना नहीं बनता। लेकिन अब अगर आप हाई प्रोटीन यूज करते हो, अगर एनिमल प्रोडक्ट का हाई मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाते हो, तो हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड के जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और जो अगर एक्सेस होता है तो हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, जो कि आप माइक्रोस्कोप पर देख रहे हो कि उसको पहचानते कैसे हैं कि यूरिक एसिड क्रिस्टल कैसे दिखता है। तो ये सामने आप देख सकते हो, सामने पिक्चर है आपके, ये सारे के सारे सब यूरिक एसिड क्रिस्टल है। तो इस तरह से यूरिक एसिड क्रिस्टल हमें देखने को मिलता है हमारे यूरिन के अंदर। तो दोस्तों, कभी सारे लोग आप देखते हैं कि जो गांठ बन गया है शरीर में, जगह जगह जोड़ों पे, तो यूरिक एसिड के ही वजह से होता है। और जो हमारा किडनी, अगर यूरिक एसिड शरीर में हमारे ज़्यादा हो जाता है, तो जो प्यूरिन नामक जो पदार्थ होता है वो टूटता है, और उसके टूटने से अगर किडनी हमारे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता, तो यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है शरीर के, जैसा कि ये देख रहे हो आप यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो ये तरीका होता है पहचानने का। ये देखिए कितने सारे यूरिक एसिड क्रिस्टल हैं यहाँ पे। तो आई थिंक कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग पहचान जाओगे कि कभी भी यूरिन में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल जैसे ये दिख रहा है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल कैसे दिखता है, कैसे पहचानते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर वीडियो है चैनल पे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। ये काफ़ी सारे लोगों का डिमांड था कि यूरिक एसिड कैसे देखते हैं, तो देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।